आप लोग के हिसाब से व्हाट इज सक्सेस? एक इंसान सक्सेसफुल कब कहलाता है? तो मैंने जो चीज सीखी है वो ये है कि अगर आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, ठीक है, अगर आपको कहलाना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा बहुत है लाइफ में लेकिन आपके पास फैमिली नहीं है और आपका हेल्थ खराब, ठीक है, एक किताब मैंने पढ़ी थी उसमें लिखा था सक्सेस इज इक्वल टू मनी प्लस हेल्थ प्लस फैमिली प्लस पीस, ये सब चीज लिखा हुआ था। ये सब चीज जो है, ठीक है, ये सब चीज को फॉलो करना चाहिए और एक अच्छा मैसेज पहुंचाना चाहिए। अभी अगर किसी को हम लोग प्रॉपर गेयर में देखते हैं तो लोग क्या सोचते हैं कि रेस करने जा रहे हैं, उस थिंकिंग को हमें चेंज करना है, ठीक है। धीरे धीरे ये हम लोग की जो कम्युनिटी है मोटो ब्लॉगिंग की, इस कम्युनिटी के थ्रू हम लोग को इस समाज में अच्छा मैसेज देना है। Here we go. Too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do.
lost, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Do what you do. And it hurts. As I bleed for you, cry for you. हम लोग यहाँ तक पहुँचे, so far so good. Okay. So बात कुछ ऐसी है कि एक टॉपिक की मुझे बात करना है, ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि हम लोग अभी सब यंग एज है, सब लोग यूथ है, ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है. तो आप लोग के हिसाब से व्हाट इज सक्सेस? एक इंसान सक्सेसफुल कब कहलाता है? और मैंने लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज मैंने देखी है वो सब चीज आप लोग के साथ शेयर तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा. सक्सेस इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से, ठीक है, एक इंसान के पास बेशुमार दौलत है, ठीक है, तो वो सक्सेसफुल है. नहीं, शुड बी हैप्पी. क्या एक इंसान के पास बहुत हेल्दी है, बॉडी है, सिक्स पैक है, हेल्दी है, स्मार्ट दिखता है, क्या वो सक्सेसफुल है? नो. ठीक है, एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था सक्सेस इज इक्वल टू मनी प्लस हेल्थ प्लस फैमिली प्लस पीस, ये सब चीज लिखा हुआ था. तो मैंने जो चीज़ सीखी है वो ये है कि अगर आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, ठीक है, अगर आपको कहलाना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए. अगर आपके पास पैसा बहुत है लाइफ में लेकिन आपके पास फैमिली नहीं है और आपका हेल्थ खराब है, जस्ट इमेजिन आपके पास करोड़ रुपए बैंक में पड़े हुए, आप लोग आपकी आपका हेल्थ ठीक नहीं है, आप बीमार हो, उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाओगे. तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा खाना, हेल्थ अपने को बहुत जरूरी है जिंदगी, मतलब बेसिकली अपना अच्छा लाइफ. एक इंसान के पास हेल्थ भी है, पैसा भी है, लेकिन फैमिली नहीं है, तो क्या इंसान खुश रह पाएगा अपने लाइफ में? नहीं रहता है. फैमिली बहुत जरूरी होती है, ठीक है. तो पैसे के बारे में पहले मैं बात करता हूँ, ठीक है. आप लोग के जो भी डिजायर आपने सोचे हैं, जो भी आप कर रहे हो उस पर हार्डवर्क करो उस चीज़ को अचीव करने के लिए. तभी बात यहाँ पर है, दूसरे चीज पे आते हैं, ठीक है. आप लोग जो भी फील्ड में हो, ठीक है, जिन लोगों को मोटर ब्लॉगिंग कर रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, आप लोग अपना 100% दो उसमें, ठीक है. दूसरी चीज, ठीक है, बात करते हैं फैमिली, जितने भी लोग आपके फैमिली में है, ठीक है, आप सब उनकी रिस्पेक्ट करना. क्यों पता है? ठीक है, हम कभी कभी जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते. फैमिली से मेरा मतलब ये है, उसमें आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, उसमें आपकी मम्मी भी हो सकती है, मम्मी तो होगी फैमिली में, पापा, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके ब्रदर भी हो सकते हैं, ठीक है, आपका पेट भी हो सकता है, पेट भी हो सकता है. तो आपकी फैमिली में आपको डिपेंड करना है. कभी कभी ऐसा होता है कि मॉम होती है लेकिन उसकी फैमिली में वो नहीं होती. मेरे फैमिली से मतलब ये है कि जिन लोगों को आप प्यार करते हैं, जिन लोग से आप बहुत प्यार करते हैं, वो लोग आपकी फैमिली में आते हैं, मेरे हिसाब से ये. अब बात करता हूँ मेन मुद्दे पे, हेल्थ की, ठीक है. हम लोग आज यहाँ पर यूथ है, ठीक है, हम लोग को जब हम अपना राइड करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले राइड करने से पहले अपने परिवार और वालों के बारे में सोच कर, हेल्थ के बारे में सोच कर, अपने फ्यूचर के बारे में सोच कर कि लाइफ में आपको क्या करना है, ये सब चीज़ को सोच कर ही आपको राइड करना चाहिए, ठीक है. और जैसे मैं इंस्पायर हुआ किसी से, मैंने मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, आज मैं एक लेवल पे आया कि लोग मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, ठीक है. तो ऐसा भी एक वक्त आएगा कि आप यहाँ पर हैं, आप हैं, आप हैं, जितने भी लोग यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, एक स्टेज आपका भी आएगा जब आप किसी को इंस्पायर कर रहे हो. तो यहाँ से जो मैसेज जाना चाहिए आगे, वो एकदम सही मैसेज जाना चाहिए. हम लोग मोटर ब्लॉगिंग क्यों करते हैं? किसी भी मोटर ब्लॉगर को देखा है विदाउट गियर, विदाउट हेलमेट कोई मोटर ब्लॉग करना नहीं करता. ये सब चीज़ जो है, ठीक है, ये सब चीज़ को फॉलो करना चाहिए और एक अच्छा मैसेज पहुंचाना चाहिए. अभी अगर किसी को हम लोग प्रॉपर गेयर में देखते हैं तो लोग क्या सोचते हैं कि रेस करने जा रहे हैं. उस थिंकिंग को हमें चेंज करना है, ठीक है. धीरे धीरे ये हम लोग की जो कम्युनिटी है मोटो ब्लॉगिंग की, इस कम्युनिटी के थ्रू हम लोग को इस समाज में अच्छा मैसेज देना है. एक सब्सक्राइबर है मेरा, मेरा संडे को मीटअप था, लास्ट संडे वो आ रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया. तो ज़्यादा लगी नहीं कैसा एक्सीडेंट हो रहा था. एक गाड़ी जा रही थी यहाँ पर लेफ्ट, ठीक है, इसने अचानक से ब्रेक मारा और लेफ्ट टर्न ले लिया. तो ये उसके जस्ट पीछे था, इतना क्लोज था कि वो कंट्रोल नहीं कर पाया, ब्रेक दबा, ब्रेक मारा, उसने गाड़ी स्किड करके नीचे गिर गई, ठीक है.
अब यहाँ पर उसने बोला ऐसा हुआ है, अभी अपने को क्या ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होता है कि आगे लेफ्ट टर्न है और गाड़ी कोई अपने आगे है, तो अपने को थोड़ा डिस्टेंस बना के चलना, ठीक है, समझे? ये मेरे साथ नहीं हुआ था, एक अंकल थे उनके साथ हुआ था। बस चल रही है लेफ्ट साइड से, पता है आपको जगह होती है, सिग्नल पे बस रुकी और वो अंकल गाड़ी लेके जा रहे थे, अचानक से बसें उतर, तो अंकल ने ब्रेक मारी गाड़ी। तो उससे मैंने क्या सीखा कि अगर बस है खड़ी, आगे खड़ी, मैं देख रहा हूँ कि बस आगे खड़ी है, तो बस से कभी भी कोई भी उतर सकता है, ठीक है। और हम लोग जब ऐसे जा रहे, तो हम लोग उसको हॉर्न मारे यहाँ पर, यहाँ पे देख के चले, इतनी स्पीड रखे जो अपन कंट्रोल कर सके। तो जो जो लोग अपने गलतियों से सीखे हैं, या जो जो लोग दूसरों की गलतियों से सीखे, लेकिन सीखना जरूरी है, ठीक है, आराम से देख के चलाना आप देखो, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन हमेशा सेफ 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 राइड करना, आपके घर में आपके फैमिली है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके बारे में बस सोचना, ठीक है। आपको नहीं पता है कि आपसे कितना मोहब्बत करते हैं, आपको नहीं पता, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि मैंने वो चीज़ देखा है। जब किसी को अपने सामने किसी को खोता हुआ मैं देखूंगा ना, आप देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कितनी हिम्मत कितने लोगों को तो ये एहसास भी हुआ होगा। तो हमेशा अपने परिवार वालों से अच्छे से रहिए, क्योंकि कभी भी लाइफ में कुछ भी होगा, ठीक है, वही आपको हेल्प करेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा, उनसे अच्छे से रहिएगा। बाकी दुनिया को गाली तो चलेगा, लेकिन उनको कभी तकलीफ मत पहुँचाना आपकी फैमिली, बिकॉज सक्सेसफुल के लिए एक मैटर है फैमिली, और फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे के लिए आप काम करो, हार्डवर्क करो, कभी भी हार मत मानो, ठीक है। हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे उसकी अंदर आत्मा जागी होगी, और अगर नहीं हुई है, ठीक है, अभी तक आपकी ये जगह छोटी है, तो समझ जाओ कि वो होने वाला कभी ना कभी, लेकिन वो सबके लाइफ में एक बार आता है, लेकिन वो जब भी आएगा ना, चालू कर देगा। जितने भी लोग यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, चाहे कितने भी नेगेटिव कॉमेंट्स क्यों ना आए, चाहे कितना भी कुछ कोई ना बोले, आप कुछ भी बोले, आप करो, ठीक है, आप करो, करते जाओ, और सीखते जाओ, सीखो कि गलती कहाँ हो। अब मैं अभी बात करता हूँ यहाँ पर ब्लॉगिंग की, ठीक है, अभी आप लोग अगर बाइक चलाओगे ना, तो यही मैसेज सामने भी पहुँचाना लोगों को, कोशिश करना कि अपने वीडियो में एक ना एक ट्यूटोरियल बनाओ जिससे आप थोड़ा सेफ्टी की बातें करें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हमें ये चीज़ चेंज करना, कोई और नहीं करेगा, हमें ही करना है, ठीक है। लोग वीडियो देखेंगे, फिर धीरे धीरे न्यूज़पेपर में आएगा, फिर लोग धीरे धीरे समझेंगे। बहुत सारे लोग को तो ज़ेब्रा लाइन भी नहीं पता क्या होता है, बहुत सारे लोग को तो सिग्नल भी समझ नहीं आता कि यहाँ से लेफ्ट जाना होता है, राइट जाना होता है, यू टर्न होता है, तो बाकी किसको नहीं समझ में आता, ठीक है। अब अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं ब्लॉगिंग के बारे में, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कोई पूछना चाहता है कुछ? सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ? इट्स एन अमेजिंग फीलिंग, इतने सारे लोग यार, मतलब सीरियसली, मतलब यू नो, संडे मॉर्निंग सुबह सारे लोग 5-6 बजे उठे होंगे, 5-5 बजे उठ के लोग आए यहाँ पर, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग, एंड फीलिंग प्राउड, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग प्राउड, आई डोंट नो, दिस इज नॉट लाइक दैट मच, बट यार इतने लोग आए मेरे लिए, सो इट्स लाइक, थैंक यू सर। Follow like a
and cold to the touch. Am I insane not to let go? Go on, just do what you do. And it breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. And it